सीएम योगी पर कैराना सांसद इकरा हसन का डायरेक्ट अटैक, योगी की ओर से सपा के खिलाफ दिए जा रहे नारों की उड़ा दी धज्जियां। सीएम योगी के जिस नारे को सुनकर मोदी समेत बीजेपी हुई मुरीद, पहले इकरा ने उस नारे की सोच को मिट्टी में मिला दी, फिर सीएम योगी ने एक और नारा दिया। उस नारे के जरिए सीएम योगी ने सपाइयों की साक पर चोट किया, तो इकरा ने ब्रिजभूषण की याद योगी को दिलाकर पूछ लिया तीखा सवाल। सपा सांसद इकरा हसन का इस उपचुनाव में आक्रामक तेवर को देखकर दंग रह जाएंगे। इकरा हसन के निशाने पर अब बीजेपी के वो नेता है जिनके नाम पर बीजेपी वोट बटोरती है। अब ये उपचुनाव सीएम योगी के लिए नाक की लड़ाई है। अखिलेश से वो लोकसभा चुनाव का बदला लेने के फिराक में है। इसी फहरिस्त में सीएम योगी अखिलेश के पीडीए के जवाब में बटेंगे तो कटेंगे का नारा इजाद किया, तो अब इकरा हसन ने सीएम योगी के उस नारे, जिसके मुरीद पीएम मोदी है, बीजेपी है और मुरीद आरएसएस है, उसी नारे को इकरा ने मिट्टी में मिला दी। एक तरह से सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नैरेटिव को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। देखिए, बांटने वाले भी वही हैं, काटने वाले भी वही हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ नफरत की बात फैलानी आती है, हम जोड़ने की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं और हम प्यार से सबको जोड़ेंगे। देखिए, बांटने वाले भी वही हैं, काटने वाले भी वही हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ नफरत की बात फैलानी आती है, हम जोड़ने की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं और हम प्यार से सबको जोड़ेंगे। देखिए, बांटने वाले भी वही हैं, काटने वाले भी वही हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ नफरत की बात फैलानी आती है, हम जोड़ने की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं और हम प्यार से सबको जोड़ेंगे। सुन लिया आपने इकरा हसन ने क्या कहा? इकरा कह रही हैं, बांटने वाले भी वही हैं, काटने वाले भी वही हैं, लेकिन हम प्यार से सबको जोड़ेंगे। यही नहीं, इकरा हसन ने सीएम योगी के उस नारे की हवा तो टाइट की, एक और नारे को भी अपने शब्दों से डिफ्यूज कर दिया, जिसमें योगी ने कहा था, जहां दिखे सफाई वहां बेटियां घबराई। नारा आ रहा था, वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को, अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, नया बयान दिया है। उसने कहा जिस गाड़ी में सपा का खूनदार, जिनकी पार्टी में ब्रिजभूषण जैसे लोग हो, चुनाव लड़ते हो, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हमारी बहनों ने किया, उसके बावजूद जिन पर कोई असर नहीं हुआ, उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं। जयंत चौधरी आपके पीडीए को बताया, नहीं देखिए, पीडीए का जो नारा है वो अपने आप में अपनी जीत दिखा चुका है, अपना वजूद दर्शा चुका है लोकसभा के चुनाव में। ये जनता के बीच का धरातल का मुद्दा है, नारा है, और हमें पूरी उम्मीद है इसी पर आगे भी हमें। तो अब सीएम योगी क्या कहेंगे? शायद जवाब तो ना हो। एक तरह से कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने योगी की ओर से फैलाए गए पहले नैरेटिव, जिसमें उनके निशाने पर अखिलेश रहे हैं, उसे इकरा ने अपने शब्दों के जरिए मिट्टी में मिला दी। फिर सपाइयों के साथ पर जिस दूसरे नारे के जरिए उन्होंने चोट करने का प्रयास किया, उसके जवाब के तौर पर इकरा हसन ने ब्रिजभूषण शरण सिंह को आगे रख दिया। उनके रहते पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ, उस पर योगी से सवाल पूछ लिया। अब योगी क्या जवाब देंगे, वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, बांटने वाले भी वही हैं, काटने वाले भी वही हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ नफरत की बात फैलानी आती है, हम जोड़ने की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं और हम प्यार से सबको जोड़ेंगे। देखिए, बांटने वाले भी वही हैं, काटने वाले भी वही हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ नफरत की बात फैलानी आती है, हम जोड़ने की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं और हम प्यार से सबको जोड़ेंगे।